न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कांग्रेस में सीनियर नेताओं की फौज एक अलग राह पर है। G23 के नेता कांग्रेस में बदलाव की मांग करते हैं, साथ ही कहा जाता है कि इन नेताओं को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान MP के पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद ही कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। दरअसल 20 मार्च को ही MP में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 21 मार्च को एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बात रखते हुए कमलनाथ ने खुलकर अपनी बातों को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अब सौदा करने वाले लोगों से कोई समझौता नहीं होगा। कमलनाथ ने कहा कि हमारा मुकाबला BJP से नहीं EVM से है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नहीं जनता के वोट लूट रहे हैं, देश में चुनाव बैलेट पेपर के जरिए ही हो। कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं की बगावत को कमलनाथ ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी हमारे पुराने साथी हैं, कोई कुछ कदम नहीं उठाने वाला है। कमलनाथ ने ये भी कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव के लिए हम अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि कई विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। कमलनाथ ने राहुल गांधी के भरोसे के सवाल पर कहा कि उन पर सभी को भरोसा है। राहुल गांधी ने स्वयं कह दिया है कि हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, जून में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो ही जाएगा, उसमें सारी चीजें साफ हो जाएंगी। कमलनाथ ने आगे कहा कि मैं किसी पद की रेस में नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। उन्होंने कहा कि देश के हर गाँव में आज कांग्रेस मौजूद है। साथ ही कहा कि हमारे देश के लोग, MP की जनता अपनी हितों की रक्षा करेगी। ये भाषण और कलाकारी के राजनीति ज्यादा दिनों नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि MP में माफिया राज बढ़ रहा है। प्रदेश में हर दिन 16 से 17 रेप के मामले सामने आते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि कमलनाथ के बयान पर शिवराज सिंह चौहान की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।